अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर तुम बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम हो गया नए ब्लॉग के अंदर। जुमे का टाइम है, जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। माजरा था कि सुबह मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर सका, क्योंकि सुबह फोरमैन और इंजीनियर पास था, बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। अभी जुमे का टाइम है, जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, इस टाइम में मुझे मुनासिब लगा तो मैंने कहा ब्लॉग का इंट्रो करते हैं। तो जल्दी से करें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि भाई की हर एक वीडियो, दुबई की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बस जुमे के लिए जा रहे हैं। गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, यकीन करें। सुबह 6 बजे का काम भी आया हूँ, आज तो टाइम ही बहुत मुश्किल गुजरा है। ऊपर से खलियाँ पड़ी हुई हैं, कल आपको पता है मामू उन्हों के साथ मुँह मारी होगी तुम्हारी, ये बांग्लादेश के लोगों के साथ। तो बस अच्छा चल नहीं रहा काम, लेकिन गुजारा कर रहे हैं। देखें यहाँ पर प्लाजे वगैरह कितने ऊँचे ऊँचे बन रहे हैं। बस मस्जिद जाते हैं, आपको दिखाते हैं, दुआ करो जगह जगह मिल जाए। जानवर हमारे पास है नहीं है, जो कि जानवर ना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, पाँव बहुत ज़्यादा जमते हैं ज़मीन पे, सिर जो है ख़त्म हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत होती है। ये मस्जिद है जो कि सारे लोग जा रहे हैं माशाल्लाह से, हम भी चलते हैं। सांस बहुत ज़्यादा भाई को चढ़ जाता है यार, ये शायद गर्मी बहुत ज़्यादा, इस अंकल को क्या हो गया, आँखों में कतरे डाल रहे हैं इसके। खैर हो यार, हो ये गाड़ियों में, ये जो गाड़ियाँ ना मूवी में देखता होता था, मर्सिडीज़ की बड़ी बड़ी वैगने, आजकल रियल में देख रहे हैं भाई। सोसाइटी यार बड़ी ज़बरदस्त है यार, जुमेरा विलेज क्या बात है। जगह यार दुआ करो जगह मिल जाए बस, अब हमें जगह ढूंढना, मुझे ना तो हाई मिशन लग रहा है। दिखाते हैं यार, लोग बहुत ज़्यादा हैं, अब पहले वज़ू करना पड़ेगा, वज़ू वाली जगह में ढूंढनी पड़ेगी। देखें ज़रा कितने ज़्यादा लोग बैठे हैं, लोगों ने गत्ते बिछाए हुए हैं, शायद हमें भी गत्ते पे बैठना पड़ेगा। फाइनली वजू वगैरह कर लिया, अब बैठने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये मस्जिद की मेन एंट्रेंस है, वो बहुत ज़्यादा रश है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। यहाँ से पानी हमें मिल जाए ब्रदर, पानी, थैंक यू, पानी ले लिया। ओए होए होए, जगह ढूंढने का इंतहाई मिशन काम लग रहा है। खैर हो गए यार, खैर हो गए बस। A few minutes later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, नमाज पढ़ ली है, फरिश्ते में जगह मिल गई थी, छाँव में जगह मिल गई थी जहाँ पे नमाज पढ़ ली है, लेकिन ये है कि नमाज तो चलो पढ़ ली है जुमे की, तो अब सारे वापसी के लिए यार जा रहे हैं। ओए होए होए, नमाज पढ़ने में कहता हूँ, ऐसे ऐसे लोग आए हुए थे जो अंदर मस्जिद में, जो अंदर थे ना लोग मस्जिद के अंदर, वहाँ पे बहुत बहुत अमीर लोग थे, वो लोगों को 50-50 दिरहम भी दे रहे थे, यानी कि ना वो बहुत बहुत अमीर लोग, मर्सिडीज़ AMG G63 वाले आए हुए थे, मस्टैंग वाले आए हुए थे, यानी बहुत अमीर लोग आए हुए थे ना। लेकिन हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह, अल्लाह के अलावा हमें किसी से नहीं मांगना। हाँ मेहनत मजदूरी करेंगे, क्योंकि मेहनत मजदूरी से तो फिर भाई वो और हिसाब होता है। तो यार यहाँ पर कोई ना कैफेटेरिया या मुझे ना कोई दुकान नज़र नहीं आ रही है। आज कीमा खाया घर में, कीमा पकाया था, कीमा खाया था, दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। यहाँ पे कोई स्टोर स्टूर देखते हैं यार, चलो यार गुजरो। ओए ये तो हमारे वाला स्कूटर है काले के, बस यार ये बिल्कुल हमारे पास इस तरह का ही है ना, क्या बात है यार। चलते हैं यार, अब चलते हैं, टाइम ओवर हो गया है। वो मेरे से बहस करते हैं भाई, इतना टाइम क्यों लगाया ने जुम्मे में, पहले ब्रेक भी आने ले ली थी। बहुत खबीस इंसान है यार, कुछ कर नहीं सकते उनका, लेकिन क्या करें, अब मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमान पता नहीं कैसे यार, उन्होंने एक बंदा उनका जुम्मा पढ़ने नहीं आया, आपका भाई सिर्फ अकेला आया। तो चलते हैं ऊपर, ये देखो सारी जो है ना लेबर, ज़्यादा लोग ना, मैं बताऊँ पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी लोग सबसे अच्छे हैं, बाकियों का मुझे ईमान भी पसंद नहीं है, कच्चे ईमान है, सुनते भी नहीं पढ़ते, नमाज ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, अमीर अरबी जितने भी हैं, अरबियों का ईमान अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा ईमान मुझे यहाँ प्रदेश में पाकिस्तानियों का लगा है भाई साहब। ये देखो यहाँ पे ज़्यादा लोग भी आपको पाकिस्तानी नज़र आएंगे। ये वही वाली बिल्डिंग है जो काम को यहाँ पे हम साथ वाली बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं। तो यार ऊपर जाते हैं जल्दी जल्दी, सीढ़ियों से ऊपर आ रहा, यकीन करो बहुत बड़ा
बहुत बड़ा मिशन है सीढ़ियों से ऊपर आना। देखो जरा कितनी ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई से ऊपर आना ना, मेरे ख्याल से ये देखो बिल्डिंग के सामने मैं आ चुका हूँ। इतनी ऊंचाई से सीढ़ियों से ऊपर आना ना मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा मिशन है जो कि हम रोज़ कंप्लीट करते हैं कितनी बार। और ये देखो ज़रा सारी डेक्शक पड़ी हुई है, डेक्शक तैयार शेयर हो गया, ये सारा नीचे से माल लेकर आए हैं आज सुबह सुबह और अभी ये सारा फिट करना है। देखो उस्ताद और ये क्या कहते हैं, ये बच्चा जो है नया आया है, ये देखो ये बच्चा जो है ये नया आया, दो आदमी नए आए हैं, इंतहाई चबल इंसान है, चबल मैं बयान नहीं कर सकता, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे, लेकिन मैंने मामू के साथ ज़रा वीडियो नहीं बनानी, ज़रा बात नहीं करनी, इंतहाई चबल इंसान। फाइनली जी अपने किरदार पर हम आ चुके हैं, अपना जो काम है शुरू कर रहे हैं। तकरीबन ये सारी जितनी भी डेक है ना सारी को आपके पास टेप एल्यूमिनियम लगा दी हुई है। अब ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो ये भर दी है, इस गन के साथ भरा है और चोटें भी बहुत ज़्यादा आज भाई को लग गई हैं, बहुत ज़्यादा कट लग गई हैं। मैं कह रहा हूँ जल्दी से थोड़ा सा काम ख़त्म करते हैं, फिर और एक्टिविटीज़ आपको दिखाते हैं, क्योंकि आजकल हमारी बहुत बहस हो रही है इस मामले में इनके साथ। मैं जो सामान लगा रहा था ना उसकी जो पतरी होती है ना कोना साइड में जो कोना लगता है, अभी हमें पड़ा नहीं है तो आपको दिखा देता, वो हो गया ख़त्म, जो कि मुझे आज 3 से 4 से 5 बार के कट लग चुके हैं। अब जा रहा हूँ नीचे कोना लेने स्टोर में, तो इधर देखो क्या सीन है। ओह अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ज़्यादा ही हैवी मोल है। तो सामान सामान ये पड़ा हुआ है, किधर गई इमाम अपनी, हाँ बोली पानी किधर गया यार, पानी के बिना ना गुजारा ही नहीं है यार, किधर पानी रख देते हैं मामू लोग यार, आ जा भाई आ जा। ओए होए होए होए, पानी ना नीचे से मिलाते हैं ठंडा, कूलर से मैं रोज़ भर के लाता हूँ ठंडा, आधे 15 मिनट बाद ही पानी अग हो जाता है गर्म, उसकी वजह यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब ये जो पानी है ना पानी गर्म भी हो ना तो आपकी जो ग्रेविटी है ना वो पूरी कर देता है, विटामिन डी वाला मज़ा दे देता है पानी, ये आपको मानना पड़ेगा। हाय 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 हाय, काम क्या करने लग गए, जंगली बन गए भाई, हालत ही मर गई यार, सोचा नहीं था कि ये वाला काम करेंगे। एनीवेज चलते हैं नीचे, कहाँ गया काला शक्का कुआ, इंतहाई हड राम वाम भाई, तेरा नया बच्चा है ना चवल से बड़ा चवल। ओए होए होए होए, चल भाई शू आपके भाई में इतनी ताकत है, देखो सुखी सी बाजू है फिर भी ताला ना आके भाई ने एक हाथ से तोड़ दिया एक हाथ से ही खोल दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे से बड़ा कोई पावरफुल होगा। अब क्या लेना था, मैंने शापर भी नहीं ले के आया, गलतियां पे गलतियां, 5वें फ्लोर से आना यानी कि इधर से ऊपर 5 फ्लोर है, यकीन करो कि 2 जोड़े होते हैं सीढ़ी, 1 2 2 जोड़े में करूँगा फिर फ्लोर आएगा, कसम से मतलब कि काम मुश्किल नहीं है, काम तो मुश्किल ही नहीं है, वजह ये है सीढ़ियाँ मार देती हैं और खड़ा रहना खड़ा रहना खड़ा रहना, अल्लाह तला को चाहिए यार कोई बैठने वाला एसी के नीचे, मुझे कोई सोफ़े आगे भाई की एफ ए तलीम है, इंग्लिश भी अच्छी खासी मैं बोल लेता हूँ, फिर भी क्या क्या कर रहा हूँ मैं समझ ही नहीं आ रही, अगर पाकिस्तान में होता ना आगे भाई का इंटरनेशनल लाइसेंस है 2 LTV और दूसरा जो गाड़ी का होता है 2 आगे भाई का इंटरनेशनल लाइसेंस भी है, लेकिन वो दुबई एक्सेप्ट नहीं ना करता, अगर वो पाकिस्तान में होना तो यकीन करो 1 लाख से 1.5 लाख आगे भाई इन ड्राइव पे या उबर क्रीम पे चला के कमा सकता है, आजकल इतना काम उसका भी चल रहा है। फ़िलहाल जो है ना फ़िलहाल ये सब है जलालत, जो कि फैमिली के लिए बीवी तो नहीं है बहन भाई माँ बाप के लिए करना पड़ेगा और करना भी है, अगर ये काम मेरा मुझे लग रहा है कि मेरा 2-3 दिन तक ना इस काम से बाइकआउट होने वाला है, क्योंकि मामों के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बन रही, वो सारे एक नस्ल के मामू हैं, ठीक हो गया, आपका भाई जो है ना ये पाकिस्तानी है तो वो पता नहीं कोई नफरत करते हैं या वो अपने आदमियों को काम इतना कहते नहीं मुझे कहते हैं और मेरा खून खोलता है और फिर मैं पड़ जाता हूँ, तो ये जो है ना ये मेरे ख्याल से काम ख़राब होने वाला है। आज भी जुम्मा पढ़ने गया हूँ मैं तो कहता है 15 मिनट पहले चला गया, तो यार इतनी बगैरती यार 15 मिनट पहले चला गया, ये कोई बहस करने वाली है, आधा घंटा से बहस की मेरे साथ, मैं कहा यार अच्छा यार दिमाग ना ख़राब कर, ऐसे ही मैं भी बोलूँगा तो दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा और मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अब शापर कहाँ से ढूंढे पहले तो ये बताओ ना, मैं कहता हूँ कि ये जो टोपा है ना
टोपे में डाल के ले जाते हैं। ये टोपा आ गया और होर ये लेने थे मैंने कुप्पे, ये वाले। छुट्टी कब होएगी यार, अक गया आज तो भाई, आपका फुल अक गया। बहुत है आजा तो यार, बहुत है हाँ यकीन करो, बस हो गई यार, रोज ही बस हो जाती है, यकीन करो। बजा ना मामू, चल सारा नरगिस भी बन जाए, नसीब भी बन जाए, यहाँ पे डुमके लगाना शुरू कर दे। चल मामू तुम्हारे बांग्लादेश का जो लड़की है ना डांसर, इसको को वो बन जा, हाँ इसको बताओ हिंदी में, अपनी लैंग्वेज में बताओ इसको। तुम हिंदी से बोलो। नाचेगा लाखों कमाएगा, ढोल बजाएगा ना नाचेगा लाखों कमाएगा। हैं, मैं क्यों नाचेगा, मैं तो कैमरा मैन है, मैं तो तुम सबको नचाएगा ना, कैमरा में तो रहेगा, मैं समझता नहीं ना, मैं तुम सबको ठुकाएगा, सबको नचाएगा, तुम सबको जितना भी मामू लोग है। हाँ नाच नाच, हाँ भाई नाच, ये क्या है इसको भी नचाओ साथ इसको। ये तेरा अरबाब है, क्या करेगा क्या करेगा, देखो ना बाबा जी लैंग्वेज क्या है, हम इनके साथ मजे ले रहे हैं, इनके कारनामे क्या है, क्या कह रहा है मामू, हंसी भी है तो फंसी भी है, हंसी भी फंस फंस के निकल रही है इसकी, मर भी रहे, की कर रहे हैं, लम्बिया पा देगा तेन मैं, हो दी दिया बच्चे चले जा, धक्का बुकी करेगा शेर के साथ। तो यार बात का मकसद ये है कि एक नज़र जरा ना हो जाए गौरव की तरफ भी, क्या सूरत हाल है, क्योंकि उनका दीदार भी ना होना चाहिए, बुफर शुफर लगा हुआ है, बेद बोल लगा आ रही है। ओए सामने घोड़ी बैठी हुई है, ये देखो ओए अल्लाह माफ़ करे, देखो रे इधर देखो घोड़ी बैठी हुई है, अल्लाह माफ़ करे, सामने पहली दफ़ा इसको मैंने देखा है, लेकिन यहाँ पर जो माहौल है ना, छोड़ दो ये माहौल देखे, इंसान जो है ना मोटिवेट होता है बस, और कुछ भी नहीं, खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो ना, ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, ये क्या सीन है बाबा जी, ओए होए होए होए, सरेआम ही बिल्कुल मेरे पास है यार। एक और बात की समझ नहीं आती यार, मैं जब दुबई आया था ना, एक साल हो गया मुझे, मैं चिट्टा था, एक साल में मैं फुल काला हो गया हूँ, बादू हर चीज काली हो गए धूप में, समझ नहीं आ रही, गोरे बिना कपड़ों के बैठे होते हैं, नहा रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं आबादू में, लड़के लड़कियाँ हल्का सा ही काले नहीं होते यार, ये ज़रा समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल से, इसके लिए ना मुझे पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जानकारी लेनी पड़ेगी। मैं कह रहा कि तू घोड़ी मैंने वेव ना लवे, तो आपा तो निकलना क्यों बंद है, और वैसे जो है ना मैं कह रहा हूँ पूरा ना माहौल के साथ ही बैठी हुई है, चेक करो अस्तग़फ़िरुल्लाह, लेकिन देखने में अगर देखें तो सब कुछ ही नज़र आ रहा है। देखो ना, कुछ भी नहीं पहना हुआ फिर भी इसका रंग फुल दुधिया वाइट है, वाइट, ये काले क्यों नहीं होते, ज़रा कमेंट तो करो यार। मामू की हरकत दिखाता हूँ, मामू की हरकत, हाँ ठरकी क्या कर रहा है, दूर दूर, हाँ ठरकी की कर रहे हैं, ओली पेलांगा तेनू मैं, हाँ मामू, हाँ मामू क्या देख के आया बाबा जी, मैंने आपको पहले बताया बहुत ज़्यादा ठरकी है ये, बहुत ज़्यादा ठरकी है, मैंने इनको देख लिया, पीछे से मुझे देखा, तीन मामू को और लेके आया स्पेशल दिखाने के लिए कि भाई जान यहाँ पे हो क्या रहा है, माशे दिखा रहा है, ये देखो, इसलिए मैं भी कहूँ इनकी सेहत इतनी मरी क्यों, इनके मुंह मरे क्यों, हम भी काम कर रहे हैं, हमें तो जीने रगड़ने लगी सरकार मोहतरम, मुंह हाथ धो लिया इसका यही मतलब है, फ्रेश हो गया, और फ्रेश हो गया तो समझो छुट्टी होगी, काम ख़त्म हो गया है। असल में ना बात ये है कि अभी हमारी गाड़ी नहीं आई, देखो ना लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, सारे मज़दूरों की गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं खड़ी, नन्ना जो पता नहीं गाड़ी कहाँ पर लेके चला जाता है, वो भी उल्ली इंसान है। अब बात का मकसद ये है कि जो मुश्किल काम होते हैं ना, मेरे हाथ हैं दो, एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में बड़े बड़े काम कर नहीं सकता, तो जब मैं मुश्किल काम कर लेता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ, मैं तब कैमरा ऑन करता हूँ, तब आप लोगों को थोड़ी सी रियलिटी दिखाता हूँ, वरना अगर मैं सारी रियलिटी आपको दिखाऊँगा तो काम ही ना कर सकूँ भाई, मुझे निकाल दें, और अगर काम कर करके वीडियो बनाऊँ तो जान निकल जाएगा हाथ से। तो यहाँ से हम निकलते हैं, हमारे जी ये फोर मैन अंकल इंडियन, जो कि ये भी इंतहाई रगड़े हुए हैं, तो गाड़ी का वेट करते हैं, उम्मीद है लोग आज का आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन जुम्मे के लिए लाइक कर देना यार, जुम्मा तो पड़ा है भाई ने। टीम देखो टोटल बंदे जो है ना, टोटल नहीं कुछ चंद बंदे हैं, बाकी दो इधर शॉर्ट हैं, इंतहाई उल्ली बंदे हैं, ये जो पीछे का लड़का खड़ा है, ये वाला और ये वाला, ये दो नए आए हैं, नए आके साथ ही इन्होंने ना फन डालने की कोशिश की है,
कब गाड़ी आती है, बाकी डिस्कस गाड़ी में करते हैं। A few moments later. तो मैं घर में वापस आ चुके हैं, तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो। कल के लोग मुलाकात होगी, तब के लिए अल्लाह।